नमस्कार बच्चों, जैसा कि कल हमने वृक्षारोपण के बारे में पढ़ा था, वृक्षारोपण को पढ़ने के बाद हमें ये ज्ञात हुआ कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वे हमें प्राणवायु देते हैं, हमें फल फूल देते हैं, भोजन देते हैं, हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। इसलिए हमें कम से कम 5 पेड़ अपने जीवन में अवश्य लगाने चाहिए। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ध्यान से देखते हुए समझिए। मैं इसकी पीडीएफ आपको भेजूंगी। आपको इसके वर्ड मीनिंग जो पहले बताया गया था शब्दार्थ करने हैं, जैसे आपको पहले हमेशा क्लासों में बताया जाता है उसे के अनुसार करने हैं। बुक एक्सरसाइज बुक में ही करनी है। जो नोटबुक में एक्सरसाइज की हुई है वो आपको नोटबुक पे करनी है। तो सबसे पहले देखिए, शुद्धम उच्चारणम कुरु, वृक्षारोपणम, इसका शुद्ध उच्चारण करना है। प्राणवायु श्रांति उत्साह पूर्ण श्रोत्रु मृत्यु पर्यंतम पर्यावरणम रक्षका प्रांगणम। सेकंड सेकंड क्वेश्चन देखिए, पाठस्य वाचनम कुरुत, पाठ का वाचन करना है। आपको घर पे बैठ के बार बार इस पाठ को पढ़ के देखना है। जहां आपको कठिन शब्द लगते हैं वहां अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ ये मुझे प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन, धातु रूपाणी लिट लकारे पूरयत, ये सबको आते हैं। लिट लकार आपने पढ़ा था, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति वाला, उसी तरह आपको इसको फिल करना है। तो अनु प्लस भू तो बन गया अनुभविष्यति। तो अगला क्या होगा, अनुभविष्यत है, अनुभविष्यन्ति, ये आप लोग कर लोगे, मुझे ध्यान है। अगला देखिए, करी शशि करी शथ करी शत, उससे अगला उत्तम पुरुष आ जाएगा। दास्यामी दास्यावह दास्यामे, फिर वापस से प्रथम पुरुष। रोपिष्यति रोपिष्यतः रोपिष्यन्ति, एक बार ये आप खुद फिल कीजिए, फिर आपको इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी। अगला है, अधो लिखितानि क्रियापदानि लट लकारे सन्ति, तेषां लिट लकारस्य रूपाणि पाठवात् चित्वा लिखित। इसमें आपको लट लकार दिया हुआ है, लिट लकार में इसको कन्वर्ट करना है। तो जैसे भवति का भविष्यति हो गया, उसी तरह रोपयन्ति का रोपयिष्यन्ति। अगला, गायन्ति का गाष्यन्ति, गायन्ति का गाष्यन्ति, कूर्म का करिष्यन्ति, करोषि का करिष्यसि, यच्छन्ति का दास्यन्ति। फिफ्थ को फिफ्थ, इसमें संधि विच्छेद करना है आपको। वृक्षारोपणम इसका करेंगे, वृक्ष प्लस आरोपणम। गीतम गायति, इसको अलग अलग कर देंगे, गीतम प्लस गायति। अब देखिए, उत्सव दे रखा है, यानी हमें क्या लिखना है, महा महा प्लस उत्सव। जीवनम यच्छति, इनको अलग अलग करके लिख देंगे, जीवनम सेम वैसा ही रहेगा, प्लस यच्छति। मुख्य अतिथि, मुख्य प्लस अतिथि, दीर्घ संधि है इसमें, मुख्य प्लस अतिथि। इसी तरह इसमें भी प्रधानाचार्य लिखा हुआ है, तो प्रधान प्लस आचार्य, प्रधान प्लस आचार्य प्रधानाचार्य। अगला, संधि कुरु, अब इसमें संधि संधि विच्छेद दे रखा है, इसे संधि करनी है। विद्या प्लस आलय विद्यालय, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, वृक्षम प्लस रक्षामी वृक्षम प्लस रक्षामी, इस म को हटा के इस छ के ऊपर इसका डॉट लगा देंगे, वृक्षम रक्षामी। पादप आरोपणम पादपा रोपणम, आका पा के पास आ की मात्रा आ जाएगी, और रोपणम पौधों को लगाना। इसी तरह एक पद में आपको उत्तर देना है, विद्यालय स्व किम भविष्यति, विद्यालय में कल क्या होगा, क्या होगा, वन महोत्सव, क्या होगा, वन महोत्सव। का कार्यक्रमस्य
विषय श्रोत्रुं उत्सुका अस्ति। कौन कार्यक्रम के विषय को सुनने में उत्सुक है? माता। अष्टम कक्षाया छात्रा किम गायन्ति? कक्षा आठ की छात्राएं क्या गाती हैं? गीतम। सप्तम कक्षाया छात्रा किम करिष्यन्ति? कक्षा सात के विद्यार्थी क्या करते हैं? नाटिकाम। किम की जगह नाटिकाम। क्वेश्चन नंबर आठ, इसको पूर्ण वाक्य में लिखना है। सेवंथ वाले क्वेश्चन को आपको एक पद में लिखना है, इसे पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो के अति उत्साह पूर्ण संति, कौन बहुत ही उत्साहित हैं? कौन थे बच्चों बहुत ही उत्साहित? सभी बच्चे। तो के की जगह हम कर देंगे सर्वे बाला अति उत्साह पूर्ण संति। सर्वे बाला अति उत्साह पूर्ण संति। क अस्मभ्यम जीवनम यच्छति, कौन हमें जीवन देता है? क, क की जगह जगह वृक्षः, फिर पूरा लिख देंगे वृक्षः अस्मभ्यम जीवनम यच्छति, वृक्ष हमें जीवन देते हैं। गीतम की दृशम अस्ति, गीत कैसा है? जो उन्होंने गीत गाया वो कैसा है? तो की दृश्यम की जगह अति मधुरम कर देंगे। गीतम अति मधुरम अस्ति। प्रधानाचार्य मुख्यातिथि च कस्य पादपम रोपिष्यते? प्रधानाचार्य और मुख्यातिथि किसके पौधों को उगाते हैं? तो कस्य की जगह हम कर देंगे आमलक अस्य। आमलक लिख के आधा से और ये आमलक अस्य, आमले की। प्रधानाचार्य मुख्यातिथि च आमलक से पादपम रोपिष्यते। अगला देखिए, उचित विभक्ति प्रयोगन रिक्तस्थाने पूर्यते। मम मित्रम मेरा मित्र स्वह कल आगरा नगरम, आगरा नगर से आएगा, आगरा नगर से आएगा। अगला है माता भोजनम यच्छति, माता किसे दे रही है भोजन? पुत्र को। तो यहाँ कर देंगे पुत्राय, माता पुत्राय भोजनम यच्छति। अगला है मम डैश उभयते वृक्षा संति, मेरे दोनों और वृक्ष हैं। किसके? विद्यालय के। विद्यालय की जगह विद्यालय हम कर देंगे, मेरे विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। उसी तरह वयम डैश रक्षिष्यामे, हम सब रक्षा करेंगे किसकी? स्वदेशम, देश के ऊपर डॉट लगा देंगे, वयम स्वदेशम रक्षिष्यामे। संस्कृत अनुवादम कुरु, बच्चे गीत गाएंगे। बालः गीतम गास्यसि, हम सब मिलकर वृक्षों की रक्षा करेंगे। वयम मिलित्वा वृक्षान् रक्षिष्यामे, आज विद्यालय में कार्यक्रम होगा। अद्य विद्यालय कार्यक्रम भविष्यति, अद्य विद्यालय कार्यक्रम भविष्यति। कार्यक्रम के बाद मैं आऊंगा, कार्यक्रमात् अनंतरम अहम आगमिष्यामि। देखिए बच्चों, ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ, इसकी आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। ध्यान से और नीट एंड क्लीन आपको काम करना है। घर पे रहिए सुरक्षित।